एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वागत करती हूँ नियति ब्लॉग्स में। तो आज है 20 मार्च और सुबह के बज रहे हैं 8। तो सारा काम हो चुका है, झाड़ू पोछा मेरा हो चुका है। यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में, तो मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और सबको बोलते हैं गुड मॉर्निंग। तो अभी मैंने दूध रख दिया है उबालने के लिए, जैसे कि आप मेरे गैस में दे सकते हैं, और मैं बनाने जा रही थी ब्रेकफास्ट। तो आज स्पेशल संडे है, तो मैंने सोचा संडे को कुछ स्पेशल बनाते हैं रोटी पराठे से अलावा। तो मैंने सोचा कि आज मैक्रोनी बनाते हैं, और कल से वैसे भी हमारा स्कूल है तो नॉर्मली वहाँ पर अलाउड नहीं है मैगी मैक्रोनी ये बच्चों को देने के लिए, तो रोज़ रोटी या पराठे ही बनेंगे। तो मैक्रोनी सुबह ही उबाल दी थी जब मैं सारा काम कर रही थी, तो यहाँ पर मेरी मैक्रोनी उबल गई है, मैं आपको दिखाती हूँ। और आप लोगों की होली कैसी रही ज़रूर बताइएगा कमेंट में। मेरी होली तो बहुत अच्छी रही, और कहीं कहीं पर होली के अभी भी रंग लगे हैं, इसमें क्लियर दिख नहीं रहा है, पर होली के रंग कहीं कहीं पर पक्के रंग लगे हुए हैं, वो अभी तक नहीं निकले हैं। तो और थोड़ा थोड़ा सा एलर्जी भी हुई थी उन रंगों से, तो यही कहूँगी कि ज़्यादा रंग यूज़ मत करिए, होली खेलिए बहुत अच्छे तरीके से। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा क्या क्या प्रिपरेशन हो गई है। अभी मुझे शॉपिंग करनी है, तो मैक्रोनी उबल गई है, सबसे पहले मैं आपको वो दिखाती हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरी खिली मैक्रोनी भी उबल गई है, और कितनी अच्छी लगती है। अभी मुझे चॉपिंग भी करनी है, देख सकते हैं यहाँ पर सारी सब्जियाँ कट गई हैं। प्याज है इसमें, टमाटर है, थोड़ी सी शिमला मिर्च है, थोड़ी सी बंद गोभी है, ये सब मैंने काट दिया है। तो स्टार्ट करते हैं मैक्रोनी बनाना, और यम्मी यम्मी मैक्रोनी बनाते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर तेल गरम हो गया है, इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा। इसमें डालती हूँ मैं टमाटर, जो मैंने एक टमाटर दिया है रेड टमाटर, और इसमें डालती हूँ नमक स्वाद अनुसार, तो सारे मसाले मैंने डाल दिए थे। इसमें मैक्रोनी मसाला डाला, मैगी मसाला डाला, और इसमें मैंने ऐड ऑन कर दी है मैक्रोनी जो मैंने उबाल के रखी थी। इसको अच्छे तरीके से मिलाएंगे जिससे कि सारी कोटिंग हो जाए सारे मसालों की मैक्रोनी में अच्छे तरीके से। तो वैसे मैंने मैक्रोनी की रेसिपी आपको दिखा चुकी हूँ मैं, और तो मैंने सोचा कि आज बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ, तो आज क्या ननू क्या बनाया है आज? क्या कह रही है, क्या बनाया है, खा के देखो। पापा का व्रत है? नहीं नहीं, पापा का व्रत नहीं है, पापा के लिए लेके आ रही हूँ। नन्नू ने सोचा कि मैं एक ही प्लेट लेके आई हूँ, तो पापा का व्रत है। चलो खा के देखो और बताओ कैसा है। हाँ आपकी छोटी है मेरी बड़ी है, चलो खा के देखो। कैसी बनी है बोलो। मैं चिंटू आपके लिए दूध लेके आ गया हूँ, आ जाओ। नियति यहाँ पे चिंटू के लिए दूध लेके आई है ना, उठाओ गिलास भी उठाओ। गाइस मैं आ गई हूँ अंदर, और ब्रेकफास्ट सबका हो गया है। भैया भी आ गए थे, भैया ने भी मैक्रोनी खा ली है, वो समोसे भी लेके आए थे, तो उन्होंने सब ब्रेकफास्ट कर दिया है। ब्रेकफास्ट के सारे बर्तन अभी मैंने धोए लिए हैं, उनके बचे हैं तो वो धोऊंगी। और देख सकते हैं यहाँ पर पापा दही मट्ठा ये सब लेके आए थे, तो अभी कढ़ी बनानी है। बेसन भी मंगाया था, बेसन ख़त्म हो चुका था, तो बेसन भी ओपन करेंगे। और यहाँ पर थोड़ी सी प्याज लेके आए हैं, क्योंकि प्याज जैसे मैं मैक्रोनी बना रही थी तो देखा कि एक ही प्याज रखी हुई थी, तो इसमें दही भी है। इसको अच्छे तरीके से हम चला लेते हैं, फेंट लेते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ी की शुरुआत कर दी है, इसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला, हींग जीरा धनिया धनिया के दाने प्याज लहसुन सब फ्राई होने के लिए रख दिया है। पूरी रेसिपी नहीं दिखा रही हूँ, तो रोज़ सभी के वहाँ कढ़ी बनती है, सब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, और सबके
यही यूज होता है, तो इसमें मैं ऐड ऑन करूँगी न्यूट्रेला बार। यहाँ पर मैं मिनी सोया चंक्स यूज कर रही हूँ, सोया बड़ी इसमें डालने के लिए ऐड ऑन करने के लिए। इसमें मैंने सब न्यूट्रेला भून के इसमें टमाटर डाल के और अच्छे से मिक्स कर दिया। इसमें मक्खन और बेसन जो मैंने बनाया था इसका। तो गाइस हमारा खाना तैयार हो गया है, रोटी मैंने बना दी है, कढ़ी हमारी अभी पक रही है अच्छे तरीके से। यहाँ पर हमारी कढ़ी बिल्कुल तैयार हो गई है और इसमें मैंने लास्ट में घी का छौंका लगाया है, जिसमें मैंने जीरा हींग और लाल मिर्च डाली। सत्य यहाँ पर नियति का व्लॉग बना है और अब 12:30 हो गए, तो नियति को लगी थी भूख, तो नियति खा रही है कढ़ी चावल, है ना नानू। और नियति का छोटा बेबी भी बैठा हुआ है, हेलो बोलो सबको, हेलो एवरीवन। ये यहाँ पर नियति भी तैयार हो गई है और यहाँ पर देखिए इसके काला में नहाने के बाद इसको नेल पेंट लगानी है। मैं इससे कह रही हूँ कल स्कूल में नेल्स देखे जाएंगे, तो यहाँ पर नियति नेल पेंट लगा रही है। गाइस ये देखिए ये आ गया है फ्लिपकार्ट से, ये था 375 का और यहाँ पर नियति आपको टॉफीज भी दिखा रही है, तो आप लोग भी खा लीजिए एल्फल लीवे। तो ये 375 का था और ये हमें पड़ा है शिपिंग चार्जेस लगाते हुए 405 का। तो इसको देखते हैं कैसा है, ये डबल साइडेड ब्लैंकेट कवर है। दिखने में तो अच्छा ही लग रहा है, देखते हैं मटेरियल कैसा है इसका। तो आप ये देख सकते हैं बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है कवर, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए नियति यहाँ पर बैठ गई है, नियति तो जा ही सकती है पर मेरी रजाई भी जा सकती है इसमें, अच्छी सकते हैं इसमें बहुत कंफर्टेबली, पूरी डबल बेड की रजाई अच्छे तरीके से आ गई है और इसमें कवर भी मैंने धोके लगा रखा है, बहुत अच्छे से कवर के साथ रजाई पूरी अंदर आ गई है। इसको बंद करके भी दिखाती हूँ मैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये हमारा पैक हो गया है। नियति आपको दिखा रही है कि आज नियति ने 2 चुटिया बनाई है, ये देख सकते हैं उसके मजे, बचपन के मजे कितने अच्छे होते हैं ना अज्जू। अब तो अज्जू भी बड़ा हो गया है, तुम भी इतने छोटे छोटे थे पहले। बड़े में सही होता है या बचपन अच्छा होता है? बड़ा सही होता है, मुझे तो लगता है कि बचपन अच्छा होता है, मजे से लाइफ जियो, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई कुछ नहीं, बच्चों की लाइफ मस्त होती है, कोई टेंशन नहीं पहली बात तो। हाँ पढ़ाई का टेंशन आ जाता है बच्चों के ऊपर, अज्जू कह रहा वही तो हो रहा है, पर वो भी जरूरी है एक पार्ट के लिए, उसके बिना कुछ भी नहीं है पढ़ाई के बिना। रूम में और बजने वाले हैं 9, तो आप लोगों का हमारा ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा, तो यहाँ पर ही मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ, बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा। वहाँ पर नियति पानी पी रही है, तो अभी नियति को मुझे खाना भी खिलाना है, कल है हमारा स्कूल और कल हमें जाना भी है, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। तो ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, होप तो आप लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा लगे, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और नियति अगर अपना थम्स अप दिखा दिया है तो प्लीज़ सपोर्ट करिए नियति ब्लॉग्स को। तो गुड नाइट एंड बाय बाय एवरीवन, बाय करो नियति, बाय।